आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और रात को 11:30 बज चुका है। और एक बात क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरे स्पष्ट तरीके से मैं आप सभी को बोल दूं, दिसंबर का पीडीएफ जो है वो अप टू डेट कर दिया गया है। टेलीग्राम के ऊपर आपका वो लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है दिसंबर के महीने के पूरे पीडीएफ का, ठीक है। और जो वीडियो आप सभी अभी देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिसंबर का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आप सभी बोल सकते हो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने का बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए, हर एक महीने का पीडीएफ आपको लाइन बाय लाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक महीना, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ठीक है। तो अब मत बोलिएगा भैया दिसंबर का नहीं मिला, नवंबर का नहीं मिला, इतना पीडीएफ तो बहुत पहले अप टू डेट कर दिया गया था। दिसंबर का पीडीएफ थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट कर दिया है, तो आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये महीना आपका जनवरी का पूरा पीडीएफ चल रहा है, जनवरी का रिवीजन चल रहा है। अभी तक कितने क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा चुका हूं जनवरी का बिना एक क्वेश्चन छोड़े हुए, तो 125 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो आप सभी का कंप्लीट हो गया है। और हां, आप सभी को पता है ना, एसएससी का 10+2 यानी सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया है, ये सभी आप सभी को बात पता है। तो जिनको नहीं पता है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन तक ये खबर कम से कम आप सभी पहुंचा दे। और बहुत मैसेज आ रहा है कि भैया अब एग्जाम कब होगा, कब डेट आएगा। अलग अलग टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से अपने तरफ से बता रहे कि ये होगा वो होगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस की 98 पर, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आप ये लेकर चलो कि नया डेट तो आपको मिलेगा, अब एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। जब डेट आएगा ऑफिशियली तब मैं आप सभी को बता दूंगा। बस इतना कहना है कल से आपका जो एग्जाम है वो नहीं होने वाला है। अब नया डेट कब आएगा भैया, जो पहले एग्जाम हुआ वो कैंसिल होगा, तो ज्यादा चांसेस है कैंसिल नहीं होगा, जो आपका 17, 18, 19 को एग्जाम हुआ। लेकिन हम ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो एग्जाम देने नहीं गए कोरोना वायरस की वजह से। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो क्लास स्टार्ट करवाते हैं 126 नंबर क्वेश्चन से, और जज करिएगा क्वेश्चन को। मैं हमेशा बोलता हूं क्लास अटेंड करने का मतलब है अपने आप को जज करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है 125 टीएन चतुर्वेदी, ये तो आप सभी का कल ही हो गया था। 126 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। 126-25 तक हो गया था, और हर एक क्लास आपको चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लाइन बाय लाइन फुल करेंट अफेयर रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस राज्य की सरकार ने व्यवसाय यानी बिजनेस करने में आसानी के लिए एकल खिड़की निवासी प्राणी जो है वो शुरू करने की योजना बनाई है। गुजरात, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका, या फिर आपका महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं रात को जो भी आप एक घंटा मेहनत करते हैं हमारे साथ पढ़ते हैं उसमें एक एक डाउट क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन आया और आपने बोला भैया तमिलनाडु और निकल गए। अरे रुको, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन को पूरे अच्छे से निचोड़ना है। तब तक क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन बोल रहा है बिजनेस को अच्छे से करने के लिए, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, एक जो है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड सिस्टम फॉर परमिशन ऑफ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस स्टार्ट किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आंसर तो आप सभी ने सुन लिया, तमिलनाडु, ये तो आप सभी ने इस क्वेश्चन के माध्यम से सुन लिया। लेकिन अब आप बोलेंगे भैया और क्या जानना है, तो आप बोलेंगे राज्यपाल जानना है। भैया वो तो जानना ही जानना है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और आपका राजधानी, साथ में ये भी जानना है इस क्वेश्चन से जुड़े जुड़े कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक कितना है, ये भी जानना है ना कि इंडिया का रैंक कितना है। आप बताओ, अभी डाटा मैंने अभी आपको स्टैटिक जीके में करवाया है, स्टैटिक जीके में
ये मैंने डाटा मार्च तक का अप टू डेट करवा दिया है अलग अलग सूचांक में। तो चैनल पर जाने के बाद स्टैटिक जीके में आपको वीडियो मिल जाएगा, 5-6 वीडियो करवाएं, 6 का 6 वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे साथ साथ बोलो आप सभी, इंडिया का रैंक कितना है? तो आप बोलेंगे इंडिया का रैंक है भैया 63 नंबर, पहले 77 था, डाटा मैंने अप टू डेट करवा दिया है, इंडिया का रैंक क्या 63। अगर मैं बोलूं सीट्स पर टॉप पर कौन है तो आप बोलेंगे सबसे अच्छा देश कौन सा है बिजनेस करने के मामले में, तो आप बोलेंगे न्यूजीलैंड। हालांकि आज के एग्जाम में और कल के एग्जाम में न्यूजीलैंड के ऊपर तो क्वेश्चन दो दो बना, वो भी वर्ल्ड कप से, कि इंडिया को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में किस देश ने हराया, तो आंसर क्या था न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कप 2019 के रनर अप टीम का नाम क्या है, यानी फाइनल में दो टीम गई थी, इंग्लैंड आपका विनर था रनर अप, तो वो भी आपका न्यूजीलैंड। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन क्लियर करना है, एक तो इंडिया का रैंक इसमें कितना है, अप टू डेट वाला डाटा 77 पहले था, 14 पद जो 14 पैदान है वो इंडिया छलांग मारा और इंडिया का रैंक 63 हो गया, टॉप पर न्यूजीलैंड है। अब बात करते हैं तमिलनाडु को लेकर, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, आप बोलेंगे बनवारी लाल पुरोहित। और अगर मैं बात करूं यहां के मुख्यमंत्री तो इडापड़ी के पलनीस्वामी, ठीक है, राजधानी तो आप बोलेंगे चेन्नई। और जितना भी एग्जाम हो रहा है आपका जिंदगी भर आभारी रहेंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से बोल रहे हैं भैया आपका हर एक क्वेश्चन फंस रहा है, क्योंकि मैं एक भी क्वेश्चन करेंट अफेयर का कम से कम नहीं छोड़ा हूं, बहुत ईमानदारी से 2500 प्लस क्वेश्चन मैंने 7 महीने में कवर करवाया है। 7 महीने का मतलब 7 महीने में नहीं, 1.5 महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन 127, बहुत ज्यादा टाइम ले लिए पहले क्वेश्चन में, 127 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना है। 127 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे सामने, स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का समर्थन करने के लिए किसने ऊर्जा पर्यावरण और जल पर परिषद के साथ समझौता किया है, हु है टाइड अप विद द काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन, और ये किस कंपनी के साथ साइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी पर एक बार आप सभी नजर डालिए, क्या लिखा है आपका, विलग्रो इनोवेशन फाउंडेशन, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 128 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इसको थोड़ा अच्छे से आप सभी समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए चिकित्सा बीमारियों को कवर करने के लिए कौन सी बीमा योजना बोल सकते हो वो जारी किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे साथ साथ बोलो, आप सभी को मैंने करवाया है, ये करवाया है मतलब ये नहीं कि एक बार करवाकर बस निकल गए, कितना बार मैंने मुख्य, अभी देख रहा हूं बहुत सारे चैनल वाले मुख्यमंत्री ये सब याद करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपके दिल और दिमाग में बैठा चुका हूं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी भी कंट्री का जो चर्चा में रहा है देश, प्लस इंडिया के राज्यपाल मुख्यमंत्री राजधानी ये सब कैपिटल बैंक का टैगलाइन सीईओ ये सब चीज आपको याद करवा दिए। तो जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है कौन है, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, सभी को पता है ना। अगर राज्यपाल की बात करें तो बिश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी तो हैदराबाद। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको आंध्र प्रदेश सरकार क्या करेगी ना, उनके लिए एक स्वास्थ्य बीमा लॉन्च कर रही है। इसका मतलब यह है कि 1000 से ज्यादा रुपए अगर किसी के बीमारी में खर्चा आता है तो सरकार उसका खर्चा देगी, कितने रुपए तक भैया, तो 5000 रुपए तक। आप बोलेंगे इतना मामूली खर्चा, अरे यार इतना मामूली खर्चा, अगर 5000 सहायता कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना, प्लस इसमें बहुत कुछ है, इस योजना में बहुत कुछ है, योजना का नाम बता दो भैया। तो देखो ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, वाईएसआर आरोग्य श्री, ऑप्शन नंबर आपका डी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। और इसके अंदर बहुत कुछ है, जो काम करते हैं हॉस्पिटल में ना उनका भी सैलरी जो है, जो नर्स काम करती है प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनका भी सैलरी जो है वो डबल कर दिया गया, कितना से 8000 रुपए से उनका सैलरी डबल कर दिया गया है 16000 रुपए तक इसी योजना के तहत, ठीक है ना। और सरकार जो है वो 225 रुपए डेली का खर्चा देगी अगर आपको कोई बीमारी हो जाता है तो, कौन, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। लेकिन किसको मिलेगा, जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगर उसके ऊपर है तो उनको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कट टू कट क्लियर हो गया ना। अगला 129 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, किस क्रिकेटर ने, किस कौन सा क्रिकेटर है
जो एक आप बोल सकते हो इंस्टीट्यूट खोला है, क्या नाम है पहले वो पढ़ लेते हैं। किस क्रिकेटर ने हॉट फुलनेस इंस्टीट्यूट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और परीक्षण केंद्र की नींव रखी है? रोहित शर्मा। कौन, किसने? रोहित शर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद कर लीजिएगा। रोहित शर्मा कहां पर खोला गया है भैया? हैदराबाद में, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रोहित शर्मा से अभी बना आपके एग्जाम में कि वनडे ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का कौन सा खिलाड़ी है, तो आप क्या बोलते? उसका आंसर भी क्या था? रोहित शर्मा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना था। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं क्या? एक्चुअल बहुत जन बोलते हैं भैया बहुत स्पीड बोलते हैं, घर वाले भी मेरे बोलते। अगला 130 यहां पर बोल रहा है 130 नंबर क्वेश्चन में, वायु प्रदूषण में निपटने के लिए पहला स्मॉग टावर कहां स्थापित किया गया है? एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए एक स्मॉग टावर का निर्माण किया गया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव है तो, कहां पर? नई दिल्ली में। गौतम गंभीर का फोटो आ रहा होगा, उन्होंने बनवाया है। कहां पर? तो आप बोलेंगे नई दिल्ली में। सोशल मीडिया में एक्टिव है तो इसका आंसर तो आप आंख बंद कर दे दोगे, क्योंकि भैया बहुत जगह फोटो देखे स्मॉग टावर के साथ, गंभीर जी खड़े थे, दिल्ली के सांसद हैं। अगला 131 131 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने 12.55 यानी 12.5 लाख के लगभग जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए क्या कर रहा है? स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश। अब देखो आप ये शिकायत मत देना ना कि भैया आप आंसर देने का टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। आप अगर, मैं जब भी क्वेश्चन आता है और जब मैं आंसर लिखता हूं तब तक आप एक बार मिला लेना टाइमर, जो बगल में चल रहा है ना, इधर चल रहा है ना, इधर आप मिला लेना। हर एक क्वेश्चन के लिए 15-20 सेकेंड का टाइमर दे रहा हूं और इतना काफी है। तो आप कहां पर? मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने घोषणा की है। मध्य प्रदेश पर अभी संकट जो है वो गहराया हुआ है, क्योंकि वहां पर सरकार गिर सकती है। अभी वहां के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ। और राज्यपाल लालजी टंडन, और राजधानी तो सभी को पता है भैया भोपाल। अगला दिख रहा है ना, अभी आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। एक बार मैं यहां से हट जा रहा हूं, ठीक है। चलो अगला 132 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, कहां की पुलिस ने स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सुकन्या परियोजना के तीसरे संस्करण को शुरू किया है? आप सभी को पता है ये जो स्कीम का नाम है ना भैया, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनको तो ये स्कीम के बारे में भर भर कर पता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट मतलब सुपर बेस्ट स्कीम है सुकन्या और कन्याश्री, जहां पर गरीब से गरीब लोगों को, हर एक लड़की को जो है वो सहायता मिला है। कन्याश्री और सुकन्या स्कीम, इस स्कीम को, स्कीम के लिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इनको एशिया के तरफ से और इंडिया के तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है इस स्कीम के लिए। किस स्कीम के लिए? सुकन्या और कन्याश्री। उसी के आधारशिला पर जो है अब जो है वो सेंटर वगैरह बहुत बंगाल में खोला जा रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? कलकत्ता पुलिस, ऑप्शन नंबर आपका भी नो डाउट ना क्या होगा? कलकत्ता पुलिस। अच्छा, कलकत्ता का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? तो आप बोलेंगे जगदीप धनकर। और राजधानी क्या है? तो आप सभी बोलेंगे पश्चिम बंगाल राजधानी भैया कोलकाता। अभी कोलकाता में एक केस आया कोरोना वायरस का, हालांकि दीदी ने बहुत झाड़ा। एक्चुअल में केस किया था, एक आईपीएस ऑफिसर था और उनकी मदर भी बहुत ऊंची पोस्ट में थी, बहुत ऊंची पोस्ट में, और उनका बेटा जो है वो कहाँ पढ़ रहा था। हालांकि हमारे पश्चिम बंगाल में अभी केस बहुत कम है और ये आप सभी बचा सकते हैं, आप सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं एक कल वीडियो डालूंगा, बहुत मोटिवेशन, बहुत सैडली वीडियो कोरोना वायरस के ऊपर, कि कैसे हम सभी लड़ सकते हैं, कैसे हम सभी कर सकते हैं, ठीक है, कल मिलेगा एक वीडियो। तो बात क्या था ना, जो बंदा था यहाँ का आईपीएस ऑफिसर और उनकी जो मद जिनके फादर थे आईपीएस ऑफिसर
और उनकी मम्मी भी कुछ गवर्नमेंट जॉब की बहुत बड़ी हाई पोस्ट में थी। उनका बच्चा जो है वो इंग्लैंड में पढ़ता था, तो वो अचानक जब वहां से इंडिया आया, क्योंकि आपको पता है फॉरेन वगैरह में कोरोना वायरस बहुत अपना प्रकोप दिखा रही है, जब वो आया तो वो अपना जो पोस्ट है ना उसका रोब दिखा कर ना, वो आपको पता है कोई बंदा अगर विदेश से आ रहा है तो टेस्टिंग पहले हो रहा है कि वो संक्रमित है कि नहीं, कोई डाउट है कि नहीं, लेकिन वो अपना पोस्ट का पावरफुल दिखा कर कि हम इतने बड़े बड़े लोग में है, मेरा इतना बड़ा पोस्ट है, अपना बच्चा का चेकअप ही नहीं करवाई जब वो फॉरेन से आ रहा था, तो और उसका बच्चा एक्चुअल में पॉजिटिव था कोरोना वायरस, और वो सभी जगह घूम रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। फाइनली पकड़ा गया, दीदी ने बहुत झाड़ा उसको, आप लोग इतने बड़े पोस्ट में होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर कोई चीज नहीं है, पूरा देश जागरूक है और आप इतना बड़ा पढ़े लिखे लोग होकर आप ऐसा काम क्या, बहुत झाड़ा दीदी ने। गुड स्टेप। अगला 133 हमारे सामने क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोल रहा है, इंडिया का रैंक क्या है किसके मामले में, भारत का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, मैं एक बात बोल रहा हूं आपको याद रखिएगा, ऐसे अभी देखो अभी आपको मोटा मोटी 5 से 6 क्वेश्चन में 2 सूचकांक के क्वेश्चन बन गए, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है, उसका पूरा लिस्ट आपको स्टैटिक जीके वाले वीडियो में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो में सारा लिस्ट अप टू डेट कर दिया, तो एक बार आप सभी देख लीजिएगा। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 34। टॉप पर कौन सा कंट्री है, टॉप पर है आपका स्पेन, ये आप याद करना, ठीक है, चल रहा है ना पिन, दिख रहा है अभी तक। 136 यहां पर क्या बोल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल है कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, उनके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड योर आंसर इज, आपका आंसर क्या होगा, भटनागर साहब, ऑप्शन नंबर कितना है आपका, भटनागर साहब, देखो ऑप्शन नंबर डी, राजीव भटनागर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप, थोड़ा आस्ते पढ़ाओ क्या, एक्चुअल मुझे भी हल्का हल्का फील हो रहा है कि बहुत स्पीड में बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव भटनागर। जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू भैया, ठीक है। 135 यहां पर बोल रहा है आप सभी को, पीआर शेषधरी को जो है वो रिजाइन कर दिए हैं अपने एमडी और सीईओ के पोस्ट से, किस बैंक का, ये आपको आंसर बताना है, नाम क्या है आपका, पीआर शेषधरी ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, करूर वेश्या बैंक, क्या बोलेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी, करूर वेश्या बैंक, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी, करूर वेश्या बैंक। और एक बात आप सभी याद रखिएगा इसी के साथ साथ, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि करूर वेश्या बैंक का टैग लाइन क्या है, अगर आपके एग्जाम में बहुत कुछ पूछ सकता है, अगर पूछ दे आपसे आंसर तो आप बोले करूर वेश्या बैंक। अभी एमडी और सीईओ, मैंने अभी विकिपीडिया खोल कर ना मैंने देखा कि इनके रिजाइन करने के बाद अभी एमडी और सीईओ कोई नहीं बना इस बैंक का, तो वो मैं अप टू डेट नहीं करवा रहा हूं, अभी जब बनेगा तो मैं खुद आपको बोल दूंगा। करूर वेश्या बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये आपका करूर में। अब बोलेंगे भैया ये करूर कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूं यहां इस हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, टैगलाइन मतलब जैसे स्टेट बैंक का क्या है, तो स्टेट बैंक का बोलेंगे प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन। यहां का क्या है, तो स्मार्ट टू स्मार्ट वे योर बैंक, यहां पर बोलेंगे क्या बोलेंगे, टू स्मार्ट वे टू योर बैंक, ठीक है, स्मार्ट वे स्मार्ट वे टू ओन बैंक, ये इस बैंक का टैगलाइन है। सर तो पानी पिलाइए सर, वहां रखिया रखा हुआ है पीछे में। अगला, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन जनवरी नवंबर में कितने प्रतिशत लगभग बढ़ा है, ये आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताइए आप सभी, बहुत जन अभी कमेंट्स कर रहे थे वीडियो में इसके थोड़े देर पहले वाले में, भैया हमारा एग्जाम तो 17, 18, 19 को दे दिए, फिर से जिन्हें दोबारा एग्जाम हो रहा है उनको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है भैया, तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन मैं हमेशा बोलूं, ऐसा ह्यूमन बींग सोचो आप सभी, ऐसा ह्यूमन बींग
हालांकि एसएससी ने पहले ही गलत स्टेप लिया जब पूरा इंडिया पूरा भारत इतने अलर्ट पर है, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने का कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन जनवरी और नवंबर के महीने में लगभग कितना प्रतिशत तक बढ़ा है, तो कितना, 3% तक। ठीक है, अगला 137 नंबर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी का, ये क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। एक बार मैं और आपको पिन कर दूं, याद करवा दूं, ये एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। आप बोलेंगे भैया आप तो ये पढ़ाए नहीं, सुबह 4:30 बजे मैं आपको पूरा ईमानदारी के साथ एक एक क्वेश्चन रिविजन करवाया हूं, ये तो रिविजन करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 95 हेस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आपसे पूछा गया था, एग्जाम में पूछा गया था इसके विजेता कौन थे, हुआ कहां पर था, हुआ था आपका इंग्लैंड में, कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, और इसके विजेता कौन थे, तो वो भी नाम नोट कर लो आप सभी, पी मंगेश चंद्रन इसके विनर थे। थोड़ा सा डल लिख रहा है ना, अब सही है, पी मंगेश चंद्रन इसके विजेता थे। पहले तो आप याद रखना ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, और विनर कौन थे, तो विनर थे आपके पी मंगेश चंद्रन। ठीक है, अगला 138 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोला गया है आप सभी को, हवाई फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग संरक्षण की अनुमति के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च किया है। एक समारोह हुआ था उसमें वो नेता गए थे और उन्होंने लॉन्च किया था, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला 139 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर ने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, उस खिलाड़ी का नाम बताना, साथ में यह भी बताना वो खिलाड़ी किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे, उस देश का कैपिटल क्या है, उस देश का मुद्रा क्या है, उस देश के राष्ट्रपति कौन है। चलो कहां का है बोलते रहिए मेरे साथ साथ, ध्यान आ रहा है, खिलाड़ी का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर देखो आप, अब सी डैनियल डी रोजी, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं ये। ठीक है, इटली से, इटली के लिए खेलते हैं, इटली का कैपिटल क्या है, रोम, इटली का मुद्रा क्या इसमें होता है वहां पर, यूरो, और इटली के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो सेर्गियो मैट्रेला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही क्या है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर सी डैनियल डी रोजी। ठीक है, अगला यहां पर बोला है AK-203 राइफल का निर्माण भारत और रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा, और इसका निर्माण प्रोडक्शन जो है वो इंडिया के किस स्टेट में होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, और ये कहां पर होगा, तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रीवियस सीएम ऑफ कहां, पास सीएम ऑफ गुजरात, अभी विजय रूपानी। अगला 141 में क्या बोल रहा है हमारे सामने, एचएएल ने किसके साथ मिलकर एक डील साइन किया है, किस चीज के लिए, जिसमें राज्य द्वारा संचालित एचएएल द्वारा निर्मित हवाई जहाजों पर 3D मुद्रित विमान भागों का उपयोग किया जा सकता है, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का HAL और मिलकर कौन कंपनी जो है इसका निर्माण करेगी, तो विप्रो आईटी सेक्टर, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अगला 142, किस बैंक ने क्रेडिट प्रदान करने के लिए महिला उद्यम कल्याण संघ के साथ जो है वो एक डील साइन किया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो
उस बैंक का टैग लाइन, उस बैंक के सीईओ कौन है, उस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, यह भी आप सभी को बताना है जल्दी। तो वो बैंक कौन सा है? वो बैंक है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का टैग लाइन क्या है? तो इंडियन बैंक का टैग लाइन है योर ओन बैंक, ठीक है, ये आपका टैग लाइन है इंडियन बैंक का। मैं बार बार बोलता हूं, जो क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग रहा है ना, आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए। जैसे इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है, क्या बोलेंगे? योर ओन बैंक, बोलते रहो मेरे साथ साथ। इसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई। और इसके सीईओ कौन है? पद्मा झा चंद्रचू। ये जो है यहां के क्या है, आपके सीईओ है। क्या बोलेंगे आप सभी? पद्मा झा चुंदरू। क्या बोलेंगे? एक बार बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए एक बार, पद्मा झा CHUNDURU। ये क्या है? तो ये है आपका सीईओ। क्या है? तो आपको यहां से क्या क्या पढ़ना है, वो कौन सा बैंक है? तो वो पहला बैंक है आपका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या है? योर ओन बैंक। और चेन्नई इसका राजधानी है, मुख्यालय है। और पद्मा झा चुंदुरू जो है यहां की सीईओ है, लड़की है ये, ठीक है। अगला 143 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, 143। यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है आपको गायन श्रेणी में ग्लोबल चाइल्ड पोडोलॉजी अवार्ड किसने जीता है? तो क्या बोलेंगे? सुचिता सतीश, ऑप्शन नंबर आपका डी। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप फोकस कर देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। इसरो ने एक डील साइन किया है किसके साथ, किसके लिए, मैं आपको पहले वो बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसरो ने प्रोजेक्ट नेट्रा के तहत जो है वो ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित करने के लिए किसके साथ जो है वो डील साइन किया है, ये आपको बताना है। चलो पहले तो आप ये समझो, डील साइन किया है किसके साथ वो तो बात की बात है, पहले आप ये देखिए जो ये नेट्रा है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आप सभी से पूछ देगा, तो आप सभी क्या बोलेंगे? भैया हमें पता नहीं है, लिख लो इसको ना। आप लिखो मत या फिर मेरे साथ साथ एक बार बोल दीजिए, दिमाग में याद रहेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑलरेडी नेटवर्क याद रखना, मेरे साथ साथ एक बार आप सभी अपने दिमाग में बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ आप सभी बोल दो, ताकि एग्जाम में अगर आए और जब आप ऑप्शन पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि ये ऑप्शन कहीं ना कहीं पढ़े हैं, यही सही आंसर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं नेट्रा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देगा, तो क्या बोलेंगे? नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम। एक बार बोल दीजिएगा नेट्रा का फुल फॉर्म। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो हमारा सही होगा। इसरो ने इसके साथ डील साइन किया है किसके लिए? तो ऑप्टिकल दूरबीन स्थापित करने के लिए, राइट। अगला 145 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने और टाइमर स्टार्ट। इसका आंसर ऐसा ही कोई बच्चा हो सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है और उनको आंसर नहीं पता है, कोई बहुत रेयर बच्चा ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सभी को? डिफेंस एक्सपो 2020 जो है इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहां पर किया था? लखनऊ में। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर देखो, लखनऊ है, नहीं तो क्या होगा आपका? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। अगला 146 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोला है 95 हेस्टिंग। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है, सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया, करवा भी दिया है। क्वेश्चन क्या बोला है? 95 नंबर हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस टाइटल ये किसने जीता, किसने? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंग्लैंड में हुआ है और पी मंगेश चंद्रन ने यह खिताब जीता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला 147, चलो यहां पर बोला है आप सभी को, हैंस टिलकोवस्की एक फेमस फुटबॉलर है, वो रिटायरमेंट की उन्होंने भी घोषणा कर दी है, वो किस देश के लिए खेला करते थे? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया ये खेलते थे आपका जर्मनी के लिए।
जर्मनी का, जर्मनी तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका बी, लेकिन जर्मनी का राजधानी क्या है, तो आप बोलेंगे भैया बर्लिन, क्या बोलेंगे बर्लिन, मुद्रा तो मुद्रा बोलेंगे यूरो। अगर बात करें यहां के राष्ट्रपति कौन है तो लिख लो, याद तो होगा ही, कितना बार करवा चुके हैं, फ्रैंक वाल्टर स्टेन मेयर, याद है ना, कितना बार करवाए आप सभी को, ये चीज मेरे साथ बोलो। जर्मनी के ये फुटबॉलर थे जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये जर्मनी का राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो, फ्रैंक वाल्टर स्टेन मेयर यहां के राष्ट्रपति हैं। अगला 148 नंबर, यहां पर आप सभी को बोल रहा है कि दृष्टिहीन लोगों के लिए नेविगेशन सुविधा शुरू करने के लिए किस संगठन ने भारतीय रेलवे के साथ जो है वो सहयोग किया है। ऑप्शन नंबर, टाइमर देखो आपका 15 सेकंड क्रॉस होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या है, अनुप्रयास, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला 149 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या बोल रहा है यहां पर, यहां पर बोल रहा है आप सभी को 149 नंबर क्वेश्चन में, कावरती के लक्षद्वीप के पहले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला किसने रखी, किसने, तो हमारे देश के राष्ट्रपति, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर आपका सी। 150 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर बोल रहा है अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो काफी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, किसमें आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है, क्या बात कर रहे हैं भैया, 110%। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया है एनालिसिस में, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किस एग्जाम में आया है, CGL में आया है या फिर CHSL में, कंफर्म है 110% पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन चुका है, याद रखिएगा। नाम क्या था आपका, सेडियो माने, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं, क्वेश्चन को जितना पढ़ेंगे ना और तो आपको याद आएगा, मान लो अगर आप अब बस क्या किए, देखो रिविजन करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है, ये नहीं कि बस आप बेड में सोए हैं मोबाइल लेकर और रात को एक घंटा मेरे साथ पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़े मन में, अब भैया का देख रहे हैं आंसर क्या हुआ, हाँ भैया ने बोल दिया अगला, नहीं रुको, ये गलत तरीका है, आप ऑप्शन जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जो आंसर है वो अपने दिमाग में भी बोलो ना, एक बार दिमाग को आते से बोलो सेडियो माने, ताकि दिमाग कुछ ना कुछ हरकत करे, और जब हरकत करेगा तो वो हरकत कहीं ना कहीं याद रहेगा, क्योंकि काम तो दिमाग को ही करना है एग्जाम में, और दिमाग अगर पहले कहीं काम कर चुका है, क्लिक कर चुका है, और दिमाग जब दोबारा उस चीज सुनेगा तो लगेगा कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो आंसर देने के चांसेस जो है वो ज्यादा करेक्ट होंगे एग्जाम में। इसलिए मैं बोलता हूं आप मेरे साथ पढ़ो, लेकिन एक बार दिमाग में भी अपना वो आंसर रिपीट करिए, ताकि एग्जाम में याद रहिए हरकत आपको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, राइट। 150 इसके बाद क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है नहीं, 150 के बाद एक्चुअल क्या है, क्वेश्चन काटा ही नहीं गया है 150 के बाद, तो आज और हाँ हमारे पास अभी बहुत टाइम है, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज कितना देर क्लास हुआ है आपका, 12:29 मिनट क्लास, आज 34 से 35 मिनट क्लास हुआ है, कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले पूरा चिट्ठा रख देंगे यार, 150 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है, कल आपका 151 से 200-225 तक कल क्वेश्चन कराने का पूरा कोशिश करेंगे। सो आज आप सभी जल्दी सो जाइएगा, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का खास कर, कल एक वीडियो डालूंगा बहुत इमोशनली कोरोना वायरस को लेकर, और सच्चाई डालूंगा यार, आप ये सभी करेंगे ना बताऊं कल के वीडियो में। सो अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा खास कर, ठीक है, चलिए। वीडियो देख के निकल मत जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चलो गुड नाइट।